मोशन पे आपके बाल ऐसे करके निकल आ रहे हैं। एवरीवन वेलकम टू माय चैनल द न्यू लीफ गाइस, आप सबका स्वागत है। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेरी गुड। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं, आई थिंक ये टॉपिक मेरा फेवरेट टॉपिक बन चुका है, बिकॉज हेयर रिमूवल क्रीम्स तो अल्टीमेट मेरा फेवरेट है टू रिमूव हेयर फ्रॉम माई बॉडी। सो आज मैंने सोचा कि चलो और भी जो हेयर रिमूवल क्रीम्स हैं फॉर मेन, वी शुड अगेन टॉक अबाउट देम। तो मैं इस वाले वीडियो पे आपके साथ एक नए हेयर रिमूवल क्रीम के बारे में बात करूंगा, विच इज़ अगेन नॉट अ क्रीम, इट इज़ अ स्प्रे। बिकॉज नए नए चीज़ें ट्राई करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज मार्केट इज़ फ्लडेड विद नए नए प्रोडक्ट्स। सो आज हम किस प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे? हम बात करेंगे न्यूड हेयर रिमूवल स्प्रे। इट इज नॉट अ क्रीम, इट इज अ स्प्रे। एवरीथिंग वी विल टॉक अबाउट, वी विल टॉक अबाउट इट्स एप्लीकेशन, कहाँ 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 यूज करना चाहिए और कैसे यूज करना चाहिए, और हम बात करेंगे कि इसका डीमेरिट क्या है, इसका मेरिट क्या है, बेनिफिट क्या देता है और कितने टाइम तक आप इसको लगा सकते हैं, रख सकते हैं। सो गाइज, इफ यू आर फाइंडिंग दिस टॉपिक इंटरेस्टिंग देन प्लीज स्टे बाय टिल द एंड। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो क्या करना है, हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब। सो गाइज, न्यूड एक्सपोज योर सेल्फ इज द नेम ऑफ द ब्रांड। इट इज अ हेयर रिमूवल स्प्रे फॉर मेन एंड वुमेन, दोनों ही इसको यूज कर सकते हैं। इट इज अ यूनिसेक्स प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट बहुत ज्यादा मार्केट में अवेलेबल है, बिकॉज मैंने बहुत सुना था इस प्रोडक्ट के बारे में, अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, हर जगह न्यूड के बहुत सारे आपको वीडियोस भी मिल जाएंगे यूट्यूब पे। बट यहाँ पे मैं सिर्फ इसके अच्छे अच्छे बातें तो करूँगा नहीं, यू नो मी, मैं हर प्रोडक्ट के बुराई भी करता हूँ, अच्छाई भी बोलता हूँ। सो जो भी बुराई है मैं आपके सामने बताऊँगा और जो भी अच्छाई है वो भी आपके सामने बताऊँगा। सबसे पहले जो प्रोडक्ट का जो पैकेजिंग है ये मुझे सही लगा, बिकॉज एक तो ये एक नया प्रोडक्ट है, ये एक स्प्रे है जो मैंने कभी नहीं यूज़ किया था, तो ये एक नया एक्सपीरियंस था मेरे लिए और ये प्रोडक्ट भी नया है मेरे लिए। सो एक ये 100 ml का ऐसे एक बॉटल है, बहुत ही अच्छा बॉटल है, पैकेजिंग इज़ वेरी गुड, बहुत स्टर्डी है, टूटेगा नहीं, लीक नहीं होगा, बहुत अच्छा है। बट इसमें एक प्रॉब्लम है, जब इसको आप स्प्रे करते हैं ना, शेक करना है यूज़ करने से पहले, शेक करने के बाद जब आप स्प्रे करिएगा तो ये निकलेगा ही नहीं। देखिए, नथिंग इज कमिंग आउट, इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ द पैकेजिंग। द प्रोडक्ट अंडर है लिक्विड, लेकिन इसका जो पंप है इट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, तो ये निकलता ही नहीं है प्रॉपरली। इट इज अ डीमेरिट ऑफ द प्रोडक्ट। सो पहले मुझे लगा कि यार ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, बिकॉज इसका पंप ही नहीं काम कर रहा तो क्या अच्छा है। लेकिन जब मैंने इसको यूज किया तो ये प्रोडक्ट इज मार्वलस। कैसे एप्लीकेशन करेंगे? गाइस, एप्लीकेशन में सबसे पहले मैं आपको चेस्ट के बाल रिमूव करके दिखाऊंगा। इट इज फर्स्ट टाइम, पहले मैं आपको हाथ में दिखाता था, दिस टाइम आई एम शोइंग यू ऑन माय चेस्ट, व्हिच इज अगेन अ न्यू थिंग फॉर मी, अ न्यू थिंग इन दिस चैनल। सो लेट्स बिगिन। सो रेडी स्टेडी गो। सो जैसे आप देख सकते हैं चेस्ट में मेरे बाल हैं और मैं अपने बालों को इससे रिमूव करके आपको दिखाऊंगा कि ये कितना काम करता है। तो सबसे पहले ढक्कन उतारने के बाद, बिकॉज ये स्प्रे जनरली आपको ऐसे स्प्रे कर देने से ही हो जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं हो रहा है। सो क्या करें, इसको पूरा निकाल लीजिए, ऐसे करके निकालने के बाद थोड़ा सा अपने हाथों में रखिए, ये देखिए थोड़ा मिल्की सा कंसिस्टेंसी है। इसको अपने जहां पे आपको बाल रिमूव करना है वहां पे ऐसे अप्लाई कर लीजिए। थोड़ा सा ऑडर बहुत ज्यादा इसका, थोड़ा पंजन सा है, लेकिन जो काम ये करेगा बहुत इफेक्टिव करेगा। सो इसको अच्छे से लगाने के बाद आपको इसको कम से कम 4-5 मिनट तक अपने चेस्ट में लगा के रखना है और उसके बाद हम मिलते हैं। आफ्टर 5 मिनट्स यू कैन सी ये बहुत ज्यादा डार्क हो गया है और अपने आप ही देखिए ये बहुत ज्यादा नरम हो गए हैं बाल। तो जैसे आप ऐसे करते हैं थोड़ा एक सर्कुलर मोशन पे, आपके बाल ऐसे करके निकल आ रहे हैं, यू कैन सी इट, ऐसे करके सारे बाल आप जहां जहां आपने लगाया है वो आसानी से निकल आएंगे।
आपको कोई भी स्पैचुला की जरूरत नहीं है, जैसे हेयर रिमूवल क्रीम्स में होता है कि स्पैचुला से निकालना पड़ता है, इसमें अपने आप ही निकल आएगा। तो जितना आप निकाल सकते हैं उतना आप निकाल लीजिए, उसके बाद आप एक शावर लेके आइए और शावर में आपको सब निकल जाएगा। अगर शावर नहीं है तो बाल्टी मग से भी अगर आप नहाते हैं तो उससे भी पानी के फोर्स से ये सारे बाल अपने आप निकल आएंगे। तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, आई थिंक बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, ये हेयर रिमूवल क्रीम से ज़्यादा इफेक्टिव मुझे लगा ये वाला न्यूट का स्प्रे, जो जितना मैंने सुना था उतना अच्छा है ये स्प्रे। एक ही प्रॉब्लम है कि इसका पंप नहीं काम कर रहा है, हो सकता है कि ये प्रोडक्ट में प्रॉब्लम हो जो मेरे पास मिला, जो मुझे मिला है। अगर आप यूज करते हैं न्यूट का हेयर स्प्रे, अगर आपका पंप काम करता है तो मुझे जरूर बताइएगा। आई थिंक द ओनली बैड थिंग अबाउट दिस प्रोडक्ट इज दिस पंप, अगर ये पंप काम करे तो इससे बेटर कोई हेयर रिमूवल स्प्रे हो ही नहीं सकता, क्रीम से बेटर है ये। इसका प्राइस अगर आप बात करें तो इसका प्राइस है ₹290, अमेजन फ्लिपकार्ट के प्राइसेस में यहाँ पे दे दूंगा, आप यहाँ से देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है, वहाँ से भी खरीद सकते हैं। और अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं। इस प्रोडक्ट में पैराबिन नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट बात इस प्रोडक्ट में पैराबिन नहीं है। और इंग्रेडिएंट्स भी आपको मैं पढ़ के बस सुना देता हूँ, प्यूरिफाइड एक्वा, ग्लिसरीन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, थायगाइड ग्लाइकोलिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड परफ्यूम, और इसमें पैराबिन नहीं है। तो ये प्रोडक्ट मेरे हिसाब से बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, प्लीज़ डू ट्राई दिस प्रोडक्ट। एंड अगर आपके कुछ क्वेरीज हैं तो प्लीज़ मुझे बताइए, आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। तो थैंक यू सो मच, मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो पे। और ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइए।